नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है, एक नया आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए है। यह आदेश अतिथि शिक्षकों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा देगा। अतिथि शिक्षक जो कि अभी तक जहां पर नियमित शिक्षक आ गए थे वहां पर काम कर रहे थे, क्योंकि लोक शिक्षण की तरफ से रोक लगाई गई थी और लगातार इस उम्मीद में काम कर रहे थे कि उनको अन्य स्कूलों पर समायोजित किया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन ये जो आदेश आप देखेंगे और इस तरह के ज़्यादातर जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया है अतिथि शिक्षकों को स्कूल से ही नहीं GFMS पोर्टल से हटाने को लेकर ही आदेश जारी कर दिया है। अतिथि शिक्षक लगातार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं कल से, जब से ये आदेश जारी होना शुरू हो। चलिए कंप्लीट आदेश आपके यहाँ पर दिखाते हैं, वीडियो को ज़्यादा से कंप्लीट आदेश दिखाएंगे। महत्वपूर्ण आदेश है, कई जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया है। यहाँ पर एक अतिथि शिक्षकों के लिए छोटी सी खुशखबरी यहाँ पर रहेगी और आदेश तो आप देख ही चुके हैं और इस तरह के आदेश अलग अलग जिला शिक्षा अधिकारी जारी कर रहे हैं। कंप्लीट यहां पर इसको भी दिखा देंगे, तो ये जो खुशखबरी आपको मिलेगी तो इसको भी यहां पर देख लेना है। यहां पर देखिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला श्योपुर मध्य प्रदेश, 9/1/2024 का यानी आज का आदेश है। कल के वीडियो में, सिंगरौली वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि अतिथि शिक्षकों के लिए आज तो यहाँ से जारी हुआ सिंगरौली से, लेकिन आज के लिए मैंने कहा था कि लगभग ज़्यादातर जिला शिक्षा अधिकारी जारी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल क्रमांक प्रति के रूप में समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य, समस्त संस्था प्रमुख जिला श्योपुर मध्य प्रदेश का यह आदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विषय में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण से उपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों को GFMS पोर्टल से हटाए जाने के संबंध में, यानी अब तक का उनका जो मानदेय है वह जनरेट करके उनको हटा देना है यहाँ पर पोर्टल से ही। अभी तक क्या था कि लोक शिक्षण के आदेश का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर सीधे हटाने की लिए आदेश कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, संदर्भ लिया है इन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय से आयोजित VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 8/1/2024 में दिए गए निर्देश का। साथ ही आगे बताया हुआ है, यहाँ पर देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय से आयोजित VC दिनांक 8/1/2024 में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति या फिर उच्च प्रभार या फिर स्थानांतरण से यदि शिक्षक उपस्थित हो चुके हैं और उस पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक भी कार्यरत है, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को तत्काल GFMS पोर्टल से हटाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही आगे बताया है कि यदि कोई अतिथि शिक्षक नवीन नियुक्ति, उच्च प्रभार या स्थानांतरण से पदपूर्ति के बाद भी कार्यरत पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षक का जो मानदेय है वह संबंधित संस्था प्रमुख या फिर संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य के वेतन से काट कर अतिथि शिक्षक को मानदेय भुगतान किया जाएगा। तो देखिए, पूरा आदेश तो अतिथि शिक्षकों के विरोध में है, अतिथि शिक्षकों को हटाना है जहाँ पर नियमित शिक्षक आ गए हैं, चाहे वो कोई भी कारण से आए हों, प्रमोशन से, भर्ती से या अन्य कारण से, अतिथि शिक्षक को पोर्टल से ही वहाँ पर हटा देना है, GFMS पोर्टल से नाम उनका आउट कर देना है। लेकिन एक छोटी खुशखबरी ये है कि अभी तक का इस आदेश के जारी होने की तारीख तक का यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का मानदेय संबंधित संस्था प्रमुख और संकुल प्राचार्य के वेतन से काटकर अतिथि शिक्षक को मानदेय भुगतान किया जाएगा। अभी तक का तो उनको वहाँ से ही मिलेगा, लेकिन इस आदेश के बाद अगर रखते हैं तो यहाँ पर उनका मानदेय दिया जाएगा, यह खुशखबरी है। लेकिन कहाँ से दिया जाएगा? संबंधित संस्था प्रमुख यानी प्राचार्य और संकुल प्राचार्य के वेतन से दोनों का आधा आधा काटेंगे और अतिथि शिक्षक को भुगतान करेंगे अगर वो रखे हुए हैं। अतः उपरोक्तम सर समस्त पालन करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर ऑफिशियल सिग्नेचर RS तोमर हैं, जिला शिक्षा अधिकारी जिला श्योपुर, 9/1/2024। आयुक्त लोक शिक्षण को भेज दिया गया, संचालक लोक शिक्षण को भेजा गया, कलेक्टर जिला श्योपुर को, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग ग्वालियर को भेज दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह आदेश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदेश आपको बता दें, अभी तक समायोजन की बात अतिथि शिक्षकों के लिए की जा रही थी, लेकिन इस आदेश के आने के बाद जितने भी बड़े अधिकारियों से मुलाकात हुई, उनके द्वारा आश्वासन मिले, उन्होंने सब फर्जी कहा
उन्होंने कोई भी ऐसा यहाँ पर आदेश में कुछ भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने डायरेक्ट हटाने का आदेश दे दिया। इससे करीब करीब जो है तो 20,000 करीब अतिथि शिक्षक अब एक या दो दिन के अंदर ही हट जाएंगे। अब उनको सामने आकर जो अधिकारी हैं, जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि उनका क्या दोष है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने उनके लिए घोषणाएं की थी कि उनका अनुबंध 1 साल का होगा और अन्य आदेश भी अभी जारी नहीं हुए जो उनको लाभ दे सकते थे। मुझे उम्मीद है जानकारी आपकी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ।